लगता है यहाँ पर तो रिले रेस चल रही है। कहाँ क्या, हम बात कर रहे हैं सीरियल मैत्री की। देखिए ना, मैत्री को परेशान कर रही है झुमकी, नए नए तरीके निकाल रही है, लेकिन झुमकी को भी परेशान करने के लिए कोई आ गया है। जी हाँ, एक सांड आया है। नागिन का खेल जो शुरू हुआ है, अब लगता है कि ये खेल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जरा देखिए, एक और मैत्री है जो परेशान है क्योंकि उसे ही कोई परेशान कर रहा है, तो दूसरी ओर जो परेशान कर रही है यानी कि झुमकी, उसे भी ना कोई परेशान कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि ये सांड है। झुमकी बहुत ज़्यादा जो नागिन है उसमें शक्ति आ गई है, एंड फाइनली वो शेष नागिन आई गेस बनने वाली है। एंड ऑफ द डे क्या ये बैल झुमकी को मार पाएगा या नहीं, या झुमकी जीत जाएगी, ये तो हमें भी नहीं पता है। ये तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा मैत्री। अब जैसा कि कहा जाता है कि एक जानवर फिर दूसरे को पहचान लेता है, तो यहाँ पर सांड की आँख में झुमकी नजर आ गई है, लेकिन नागिन के अवतार में। तभी तो ये सांड ना बेकाबू हो गया है। इधर सांड बेकाबू हुआ है तो उधर मैत्री भी परेशान है क्योंकि उसे भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बैल के साथ इनकाउंटर हो रहा है, तो वो आई थिंक ही वाज लिटिल अनकंफर्टेबल, तो उस टाइम पे थोड़ा सा वैसे हलचल हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस, मतलब मैं डर गई थी, मैं भाग गई थी, फिर वापस आ गई, फिर उसके साथ थोड़ा बहुत ऐसे पटा लिया मैंने, उसे दोस्ती हो गई, फिर हमने आराम से शूटिंग की। फिर झुमकी लौट आई है दुगनी तिगनी पावर के साथ, इसका पता फिलहाल उन्हें नहीं चला है। अब मैत्री और नागिन का ये खेल आखिरी पड़ाव पर है। झुमकी के ऊपर भी बहुत सारे खतरा है, सो अभी देखते हैं कि किसका खतरा टलता है और कौन जीतता है एंड में। तो यही लड़ाई अभी है। अब इतना तो तय है कि इसमें हार नागिन की होगी और जीत मैत्री की, लेकिन इसको डायरेक्टर कैसे दिखाएंगे ये तो भाई अभी वो भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी पूरा यूनिट ना इस सांड के साथ शूटिंग करने में बिजी है। कभी बैल के साथ ऐसे वन टू वन शूट नहीं किया, वो भी लाइव, बट उनके यहाँ पे शूटिंग में बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं ताकि एनिमल को कोई हार्म ना पहुँचे, क्योंकि उनका पूरा प्रिकॉशंस लेके हम काम कर रहे थे। एंड यस, इट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस, थोड़ा सा थ्रिलिंग था, एंड आई गेस जो शॉट चाहिए था डायरेक्टर को और हमें चाहिए था वो मिल गया है। आप सब भी देखिए, बिल्कुल आसान नहीं था इस सांड को काबू करना, लेकिन भाई शूटिंग है तो शूटिंग के चलते अच्छे अच्छों को काबू कर लिया जाता है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।